फरीदाबाद में यूपी के रहने वाले प्रवासी मजदूरों को जहां कल प्रशासन ने 512 प्रवासियों को रोडवेज की 17 बसों से रवाना किया, वहीं आज बल्लभगढ़ के बस अड्डे से प्रशासन ने 5 बसों द्वारा 150 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया है। लेकिन बस में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। एक ही सीट पर 2 या 3 सवारियां बैठी नजर आईं, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। इन प्रवासी मजदूरों को सरकार के खर्चे पर उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। सरकार की इस पहल पर प्रवासी मजदूर खुश दिखाई दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बस में बैठे प्रवासी मजदूर सोनू, मिथिलेश और आकाश ने बताया कि आज उन्हें निशुल्क बसों द्वारा भेजा जा रहा है, जिसके चलते वह खुश हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वह यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं और हाल फिलहाल फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में रह रहे थे। महिला प्रवासी मिथिलेश का कहना था कि उनका बाकी का परिवार हरदोई में रहता है और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो वह वापस लौट आएंगे। वहीं प्रवासी मजदूर आकाश ने ज्यादा ना कुछ बोलते हुए कहा कि उन्हें कोई असुविधा नहीं हो रही है। कोई फ्री सेवा तो कहाँ तक छोड़ेंगे ये लोग? ये यहाँ बोलते हैं कोसी तक छोड़ेंगे। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? यहीं संजय कॉलोनी से जा रहे हैं नियर से और कोसी तक जाएंगे। ये छोड़ेंगे। कहाँ से करा आपने? यहीं से किया है, संजय कॉलोनी। कहाँ जा रहे हैं? हरदोई। सुविधा कैसे मिली है आपको? ठीक है, सुविधा सही है। रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं? Yeah।